यदि सब आया एक ही घाट से न उतरा एक ही बाट, या बीच में दुविधा पड़ गई तो हो गए बारह बाट। घंटे का आविष्कार आज से लगभग 4000 साल पहले हमारे पूर्वजों ने किया था। अपने उन्हीं पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए घंटे के बटन को भक्ति भाव से दबाएं और मेरे वीडियोस की जानकारी मुफ्त में पाएं। सुना है सब में बट रहा है, हमको भी 10% मिल गया, अब से हम भी रिजर्व। वैसे मुझे तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, मम्मी पापा बड़े खुश है, उनको लग रहा है कि छोरे को नौकरी मिल जाएगी। पर छोरे को तो नौकरी चाहिए ही नहीं, छोरे को तो गर्लफ्रेंड चाहिए, उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। अरे उसमें आरक्षण दो, 10-12% का कोटा फिक्स करो, ताकि हमारा भी भला हो, हम भी वैलेंटाइन मनाए। पूरी दुनिया वैलेंटाइन पे रोमांस कर रही है, मैं बैठ के रैप कर रहा था। पर नहीं, रिजर्वेशन सिर्फ नौकरी में, लेकिन असली समस्या रिजर्वेशन नहीं है, मुसीबत की असली जड़ है कास्ट सिस्टम। बट वॉट इफ आई टोल्ड यू कि जिस कास्ट सिस्टम के लेवल को अपने माथे पर लेकर हम लोग घूम रहे हैं ना, वो एक करप्ट सिस्टम है। मैं कट्टर हिंदू ब्राह्मण हूँ, छुआछूत जात पात मानता हूँ। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। बहुत सालों से हमारे इस यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाले देश में लोगों को डिवाइड करने का एक जबरदस्त सिस्टम खुलेआम चल रहा है। लोगों को अलग अलग कैटेगरीज में रखा जा रहा है, और इसलिए नहीं कि वो किसी दूसरे प्लेनेट से आए हैं या उनका जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने मम्मी पापा के घर में पैदा हुए। बोले तो अगर पेरेंट ऊंची जाति का है तो बच्चा ऊंची जाति का, और अगर पेरेंट नीची जाति का है तो बच्चा भी नीची जाति का। मेला बच्चा ऊंची जाति का है, ये भला हो के नीची जाति वाला को मंदिर में नहीं घुसने देगा। ओ मेला नीची जाति का बच्चा है, ये भला हो के ऊंची जाति वाले को सरकारी नौकरी नहीं करने देगा। सीरियसली, ये जाति है क्या चीज? अबे ओए बच्चा फेंक दिया तूने। नहीं वो नकली है। The word jati is originated from the Sanskrit word jat, which means birth. इसीलिए सिस्टम में इंसान के बर्थ के साथ ही उसे उसकी जाति अलॉट कर दी जाती है। ब्रॉडली चार कैटेगरीज में लोगों को रखा जाता है, एंड दोज आर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। और क्योंकि ये जातियां जन्म के साथ ही दे दी गई है, इसलिए सिर्फ ब्राह्मण परिवार में ब्राह्मण पैदा होगा और वो हमेशा ब्राह्मण बना रहेगा, और शूद्र के घर में शूद्र होगा जो कि हमेशा शूद्र बना रहेगा। What the hell? इस सिस्टम से देश के आम लोगों का कोई फायदा नहीं हो रहा है, इनफैक्ट द नेशन इज डिवाइडेड। तो ऐसा यूजलेस सिस्टम आया कहां से? तो ये सिस्टम आया है एक एंशिएंट सिस्टम से, विच इज द वर्ण सिस्टम। वैसे तो वर्ण का मीनिंग होता है कलर, पर इस कॉन्टेक्स्ट में ये इंडिकेट करता है व्यक्ति के गुणों को, यानी इंसान के कैरेक्टर्स को, उसकी स्किल्स को। यहाँ भी लोगों को उन्हीं चार कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, पर उनके जन्म के आधार पर नहीं, बल्कि उनके कैरेक्टर्स और उनकी स्किल्स के बेस पर। अर्थात जो इंसान सोसाइटी को इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल टीचिंग देने की काबिलियत रखता है, सिर्फ वो ब्राह्मण होगा। जो फाइटर जैसे स्किल्स शो करता है, जो बहादुर होता है, जो अपनी सोसाइटी और फैमिली के प्रोटेक्शन का काम कर सकता है, वो क्षत्रिय होगा। जो सोसाइटी के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम करेगा, वो वैश्य होगा। और जो थोड़ा कम इंटेलिजेंट होता है, जिसे हर काम समझा के कराया जाता है, जिसके काम की वजह से सोसाइटी के बाकी लोगों का काम आसान हो जाता है, इन अदर वर्ड्स जो सोसाइटी की सेवा की जिम्मेदारी उठाता है, वो शूद्र होगा। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग कोई भी ऊंचा नीचा नहीं होता है, सभी लोग बराबर होते हैं, जिन्हें अलग अलग काम सौंपे जाते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं। और फिर भी अगर आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है, तो अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस द ग्रेट इंडियन स्कॉलर चाणक्य। मैं वर्ण की उस व्यवस्था को नहीं मानता जो ये कहती है कि वर्ण का संबंध जन्म से है। मेरी दृष्टि में जन्म से कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य और कोई शूद्र नहीं होता। वर्ण व्यवस्था इसलिए भी इंप्रेसिव है क्योंकि इसमें इंसान पर लगा हुआ वर्ण का टैग परमानेंट नहीं होता है, व्यक्ति का वर्ण बदलता रहता है। एक ब्राह्मण शूद्र बन सकता है और एक शूद्र अपने एफर्ट से ब्राह्मण भी बन सकता है। इस बात का एग्जांपल है महाभारत के ऑथर व्यास ऋषि, उनकी मम्मी शूद्र थी लेकिन वो अपने इंटेलेक्ट की वजह से एक ब्राह्मण ऋषि बने। अनदर एग्जांपल इज ऋषि वाल्मीकि, हु वाज ब्रॉट अप इन अ शूद्र फैमिली, लेटर ही बिकेम अ ब्राह्मण एंड क्रिएटेड रामायण। तो अगर इतने साल पहले सब ठीक चल रहा था, फिर वर्ण व्यवस्था जैसा लॉजिकल सिस्टम, जाति व्यवस्था जैसे
बवाल में कैसे कन्वर्ट हो गया? इसके जवाब में बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है। कहा जाता है कि एंशियंट टाइम में जो लोग पावर में थे, खुद को ऊंचा बताते थे, उन्होंने अपने फ्यूचर जनरेशंस की सुपीरियोरिटी को मेंटेन करने के लिए एक कॉन्स्पिरेसी की और कास्ट सिस्टम का कॉन्फ्लिक्ट खड़ा कर दिया। इसके बाद का कचरा अंग्रेजों ने फैला दिया। अंग्रेजों ने लगभग 200 साल भारत पे राज किया और उस दौरान उन्होंने लोगों को बर्थ के बेस पर परमानेंटली कास्ट में डिवाइड कर दिया। कुछ जातियों को तो उन्होंने क्रिमिनल कास्ट डिक्लेयर कर दिया और उन जाति के लोगों को उठाकर जेल में डालने लगे। बंदा सिर्फ इसलिए गया क्योंकि वो अपने मम्मी पापा के घर पैदा हुआ था। और सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रिटिश रूल के दौरान सरकारी नौकरी सिर्फ हायर कास्ट को मिल सकती थी, लोअर कास्ट के लिए कोई जॉब नहीं थी। लोअर कास्ट को पढ़ाई करने का अधिकार नहीं था। लोअर कास्ट के लोग जमीन नहीं खरीद सकते थे। लोअर कास्ट के लोग अछूत माने जाते थे। लोअर कास्ट के लोग मंदिर नहीं जा सकते थे। लोअर कास्ट सिर्फ कचरा उठाने के लिए थे। इमेजिन करो कि तुम्हारी लाइफ का गोल है ऊंची जाति का कचरा उठाना और ये गोल तुमने डिसाइड नहीं किया है। आपकी गलती सिर्फ ये है कि आप अपने मम्मी पापा के घर में पैदा हुए हो। यूनिटी देख रहे हो ना देश की, शर्म आ रही है? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर फ्रैंक ऑफ नेदरलैंड, अंग्रेजों ने ये सिस्टम कुछ इस तरह से क्रिएट किया कि भारत के अपने लोग इसे फॉलो करने लगे और कास्ट सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया। एक दूसरी रिसर्चर डॉक्टर सूजन बेरी लिखती हैं, कास्ट इंडियन लाइफ का हिस्सा कभी थी ही नहीं, ये सिर्फ अंग्रेजों की एक स्ट्रेटेजी थी भारत के करोड़ों लोगों को डिवाइड करने की। और यही था अंग्रेजों का डिवाइड एंड रूल। और अभी खत्म नहीं हुआ है। 1947 में अंग्रेज वापस चले गए। उनके जाने के बाद इस देश में एक नई प्रजाति आ गई, पॉलिटिशियन। और भाई साहब क्या काम किया है उन्होंने, मतलब क्रिएटिविटी और टैलेंट का अद्भुत प्रदर्शन। उन्होंने अंग्रेजों के कास्ट सिस्टम को लिया, उसमें स्वाद अनुसार पॉलिटिक्स मिलाई, रिजर्वेशन का तड़का लगाया और बना लिया अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट वोट बैंक। दलित, गुजर, जाट, पटेल, ब्राह्मण, कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं यार। तो अंत में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर गलती किसकी थी? क्या गलती उन पावरफुल लोगों की थी जिन्होंने अपने फ्यूचर जनरेशंस को सिक्योर करने के लिए कास्ट का कॉन्फ्लिक्ट खड़ा किया? क्या उन ब्रिटिशर्स की जिन्होंने हमें डिवाइड करके हम पे रूल किया? या गलती उन पॉलिटिशियंस की है जो नाश्ते में वोट बैंक खाते हैं? नहीं, गलती मेरी है, गलती तुम्हारी है, गलती हम सबकी है, क्योंकि हमें डिवाइड होने की आदत हो गई है। मजा आता है हमें डिवाइड होकर लड़ने में। कोई भी आगे डिवाइड कर सकता है हमें। अरे शाहरुख और सलमान के नाम पर लड़ जाते हैं हम। ये शाहरुख के बारे में कुछ सुनूंगा नहीं मैं, चुप हो जा। ए तू चुप, सल्लू भाई के बारे में अगर कुछ भी बोला है ना, पिछवाड़े में वड़ा पाव डाल दूंगा, मुंह से आगे का साले। सलमान भाई इज द बेस्ट। दोस्तों लड़ाई करना बंद करो। हो सकता है हमारे पूर्वजों से कुछ मिस्टेक्स हो गई हो, लेकिन हमें उन मिस्टेक्स को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। कास्ट के पीछे भागना बंद करो। भागना है तो अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के पीछे भागो, बिकॉज रिलेशनशिप्स आर इम्पॉर्टेंट, कास्ट इज नॉट। और भैया कहाँ जा रहे हो? देखो यार सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा तुम लोग आए, वीडियो देखा, बहुत अच्छी बात है। देखो यार मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दो, और नहीं भी आया है तो भी कर दो, अपने बाप का क्या जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो अगली बार मिलेंगे। ओके बाय।